Hi guys, Zoha here and welcome to Zoha Insight. I hope you guys are doing well. So in today's video, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही basic everyday wear kind of makeup look share करने वाली हूँ. Although मैं daily basis पर इतना ज़्यादा makeup नहीं करती हूँ, just a bit of mascara and lip color and I'm good to go. But जब भी मुझे कोई everyday wear बहुत ही minimal makeup wear करना होता है, तो मैं किस तरह का makeup look prefer करती हूँ, wear करना पसंद करती हूँ, वो मेकअप लुक मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ. फर्स्टली मैं अपना बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, दैट इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, दैट इज CTM रूटीन. देन मैं प्राइमर एंड कंसीलर इतना ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, बट आई रियली लाइक यूजिंग मैक प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस. ये प्राइमो वाटर है एंड मेकअप को फिक्स करने में भी हेल्प करता है एंड इट्स अ हाइड्रेटिंग मिस्ट. तो मैं जब मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेती हूँ, उसके थोड़ी देर बाद इसे स्प्रिट्स कर लेती हूँ, स्प्रे कर लेती हूँ अपने फेस पर. जस्ट 5 to 6 स्प्रेज, दैट मच इज इनफ. आफ्टर यूजिंग प्रेप एंड प्राइम बाय मैक, मैं कोई कलर करेक्टर यूज नहीं करती हूँ एंड कंसीलर भी यूज नहीं करती हूँ. डेली बेसिस पर इतना हैवी मेकअप बिल्कुल भी नहीं, स्पेशली जब बहुत ही मिनिमल लुक चाहिए होता है. थोड़ा सा नेचुरल लुकिंग भी रहना चाहिए, राइट? So, after prep and prime, I go with Nykaa Skin Shield Anti-Pollution Foundation. ये बहुत ही medium to high coverage foundation है. Not very high coverage, but decent. यानी कि buildable coverage foundation है. इसका detailed review किया है मैंने मेरे इस YouTube channel Zoha Insight पर. So, video link आपको I button में मिल जाएगा. ये बहुत ही beautiful semi-matte kind of foundation है. Medium coverage है, but buildable है. So, मैं बहुत ही tiny amount, यानी कि just one drop अपने complete face पर apply कर लेती हूँ and with the help of beauty blender अच्छे से blend कर लेती हूँ, जो कि मैंने already apply कर लिया है. मैंने MAC Prep and Prime spray किया, then मैंने इसका एक ड्रॉप अच्छे से अपने कंप्लीट फेस, नेक एंड ईयर्स पर अप्लाई कर लिया है. एंड आई एम इन द शेड 10 गोल्डन आर, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल लुकिंग फाउंडेशन है. आई रियली लाइक, अगर आपकी ऑयली कॉम्बिनेशन नॉर्मल स्किन टाइप है तो डेफिनेटली इस फाउंडेशन को ट्राई कीजिए, और अगर ड्राई स्किन टाइप है तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर लीजिएगा अपने फेस को इसे अप्लाई करने के पहले. क्योंकि मेरा कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो मुझे फाउंडेशन को सेट करने की जरूरत पड़ती है, एंड फॉर दैट आई यूज द बॉडी शॉप ऑल इन वन फेस बेस. दिस इज अ कॉम्पैक्ट पाउडर एंड आई एम इन द शेड 4, एंड यू कैन सी कि मैंने इसे काफी ज्यादा अच्छे से यूज किया है. दिस इज माई सेकेंड पैक ऑफ कॉम्पैक्ट पाउडर. मैंने पहले भी एक कम्प्लीट यूज कर लिया है एंड दिस इज सो गुड. ये बहुत ही अच्छे से ऑयल कंट्रोल करने में हेल्प करता है. अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. इससे मैं अपने फाउंडेशन को, यानी कि अपने बेस मेकअप को अच्छे से सेट कर लूंगी, सो दैट ऑयली ना लगे मेरा फेस और क्रीज भी ना हो, लाइक सो. बहुत ही लाइटली सेट कर रही हूं. जब मुझे ज्यादा फाउंडेशन वगैरह भी अप्लाई करने का मन नहीं करता है तो मैं डायरेक्ट इसे भी अप्लाई कर लेती हूँ. इट्स हैविंग अ डिसेंट कवरेज, बहुत हैवी कवरेज कॉम्पैक्ट नहीं है, बट काफी डिसेंट है, अच्छा लगता है. मैं आई एरिया को भी इसी से सेट करती हूँ, लाइक सो, एंड ये स्किन को काफी ब्राइटन दिखाने में भी हेल्प करता है. या दैट्स इट. And for eye makeup, I really love using Nykaa Just Wink It Eyeshadow Palette in the variant Double Chocolate Chip. बहुत ही beautiful neutral shades है. इसका मैंने detailed review किया है. So make sure कि आप उस video को watch करें. मैंने बहुत अच्छे से सारे shades explain किए हैं और swatches भी दिखाए हैं. So this eyeshadow palette is too good. Very multitasking eyeshadow palette, I must say. You can see. See the shades, कितने ज़्यादा beautiful neutral earthy tones, brown tones, peachy and gold and black, बहुत ही beautiful shimmery भी है, just so beautiful eyeshadow palette this is. So daily basis पर मैं बहुत ही minimal 1 या 2 shades ही use करना prefer करती हूँ. So here first shade that I'm picking is this beautiful matte gold kind of shade. बहुत ही थोड़ा सा pick कर रही हूँ, tap off the excess and complete eyelid पर. बहुत ही नेचुरल लुकिंग रखना है. मैट गोल्ड काइंड ऑफ शेड यूज करने का एक रीजन ये है कि थोड़ा सा आईज को ब्राइटन अप दिखाने में हेल्प करेगा.
सी द डिफरेंस कितना इंस्टेंटली इसमें एक डेप्थ ऐड हुई है और ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिख रही है एज कम्पेयर टू दिस वन. थोड़ा सा मैं और अप्लाई करने वाली हूँ लाइक सो. ये शेड जब हम कंप्लीट मेकअप को कंप्लीट कर लेते हैं आफ्टर लिपस्टिक एंड एवरीथिंग से बहुत ही फ्रेश लगता है और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल मेकअप दिखता है लाइक ऑलमोस्ट नेचुरल लुकिंग. सी दिस इट्स ब्यूटीफुल. सेम थिंग मैं अपने लेफ्ट आई पर भी करने वाली हूँ. सेम मैट गोल्ड शेड मैं यूज करूंगी. ये इतने अच्छे से ब्लेंड हो जाता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं. जस्ट अप्लाई कीजिए और लाइटली ब्लेंड कर लीजिए. दैट्स इट. सी द डिफरेंस कितना प्रिटी दिख रहा है. एंड देन आई एम यूजिंग दिस वेरी लाइट ब्राउन ऑलमोस्ट न्यूड काइंड ऑफ कलर है ये. वेरी प्रिटी. और इससे मैं अपने क्रीज लाइन को इंटेंस करने वाली हूँ जस्ट टू एड लिटिल बिट ऑफ डेप्थ लाइक सो. सी दिस ये कितना ब्यूटीफुल है. एंड दिस इज स्टिल लुकिंग वेरी प्लेन. इस तरह का लुक भी आप कैरी कर सकते हैं बट थोड़ा सा डेप्थ एड करने से बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आता है. सो I really like doing this as well. आप मैट गोल्ड शेड की जगह पर पीच शेड यूज कर सकते हैं, ऑरेंज शेड यूज कर सकते हैं, बट डेप्थ ऑलवेज सॉफ्ट लाइट ब्राउन शेड से ही एड कीजिएगा. बहुत अच्छा लगता है. सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू ऑन माई लेफ्ट आई. सो दिस लुक्स रियली नाइस. अब मैं दिस लोअर लैश लाइन यानी कि अंडर आईज के पास दोनों शेड्स को थोड़ा सा मिक्स करूंगी. दैट मैट गोल्ड एंड सॉफ्ट लाइट ब्राउन शेड को थोड़ा सा मिक्स करके जस्ट लाइटली ब्लेंड कर रही हूं. ऑन डेली बेसिस आई रियली प्रेफर वेयरिंग मैट आई शेडोज. It. अब हम थोड़ा सा कोल ऐड करेंगे. I'll be using K Beauty Kohl Star Kajal in the shade Spade. Outer corner पर थोड़ा सा ड्रामा ऐड करना है, थोड़ा सा ब्यूटिफुल इंटेंस लुक ऐड करना है. बहुत ही वेरेबल कंप्लीट काजल की तरह मैं अप्लाई नहीं करूंगी. जस्ट सी what I'm doing. लाइक दिस. Just like this, और अब इसे मैं स्मोक आउट करूंगी. Now to smoke this out, I'm using the Body Shop slanted brush. इससे बहुत ही शार्प क्रिस्प आईलाइनर लुक नहीं आ रहा है बट बहुत ही स्मोक्ड आउट आईलाइनर लुक है. बहुत ही वेरेबल लगता है एंड कंप्लीट आईलिड को भी कवर नहीं कर रहा है. बहुत शार्प आईलाइनर्स मुझे डेली बेसिस पर वेयर करना पसंद नहीं है बट दिस स्मोक आउट लुक आई रियली लाइक. यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर यूज किया है. आप चाहे तो ब्राउन शेड भी यूज कर सकते हैं. ओके सो ये जो स्मोक्ड आउट लाइनर लुक रहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है डेली बेसिस पर एज कम्पेयर टू दोज क्रिस्प आईलाइनर लुक इन माई ओपिनियन पर्सनली. मुझे इस तरह से स्मोक्ड आउट लाइनर लुक वेयर करना बहुत अच्छा लगता है. कंप्लीट लिड पर अप्लाई करना नहीं अच्छा लगता है. सो या इस तरह से स्मोक आउट कर लिया एंड इनर कॉर्नर्स पर मैं थोड़ा सा ये बहुत ही ब्यूटिफुल शैम्पेन गोल्ड काइंड ऑफ शेड अप्लाई करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस
स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर. जब मैंने ये आईशैडो पैलेट बाय किया था तब मुझे नहीं लगा था कि ये किसी काम में आएगा स्पॉन्ज एप्लीकेटर, बट इसका जो दिस स्मॉल साइड है ये हाइलाइटर इन अ कॉर्नर पर अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा है. प्लस ये जो बिगर साइड है दिस स्पॉन्ज टिप, ये ब्लैक कलर को भी स्मच करने के लिए बहुत अच्छा है. सो आइदर यू कैन यूज दैट स्लैंटेड ब्रश और दिस वन एज वेल. सो मैं इस हाइलाइटर कलर को अप्लाई कर रही हूँ इन द कॉर्नर ऑफ माई आईज, बहुत ज्यादा नहीं, वेरी लाइट. एंड ये जो पर्टिकुलर हाइलाइटर शेड है दिस इज रियली क्रीमी एज कम्पेयर टू अदर शेड्स. इंस्टेंटली कितने पॉप हो रही है आईज, आई रियली लाइक दिस. फॉर नेक्स्ट स्टेप आई बी यूजिंग द बॉडी शॉप लैश स्पॉट वाटर प्रूफ मस्कारा. मैं वाटर प्रूफ मस्कारा ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज नॉन वाटर प्रूफ बिल्कुल निकलने लगते हैं, क्रम्बली हो जाते हैं. एंड अगर आईज वाटर करी तो वो भी जगह से हटने लगता है. अगर आपको ऐसा कोई नॉन वाटर प्रूफ मस्कारा पता है जो कि इजीली हटे ना और इन प्लेस इंटैक्ट रहे लाइक वाटर प्रूफ वंस, तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा. सो मैं अपना फेवरेट मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, वाइप ऑफ द एक्सेस फ्रॉम द वॉन्ड. आई ऑलवेज डू दिस स्टेप क्योंकि इसकी वजह से जो आई लैशेज है उस पर क्लम्प्स नहीं बनते हैं और बहुत ही नेचुरल लुक आता है. जैसे नॉर्मली मस्कारा अप्लाई करते हैं उसी तरह से अप्लाई करने वाली हूँ, कुछ भी ड्रामेटिक लुक ऐड नहीं करूंगी. सी कितना प्रिटी लग रहा है स्मोक्ड आउट लुक विद अ रियली नाइस मस्कारा. डेली बेसिस पर जब भी मुझे मस्कारा अप्लाई करना रहता है तो मैं वन टाइम में ही जितना पिक होता है मस्कारा उतना ही पिक करके दोनों आई लैशेज पर कंप्लीट अपर एंड लोअर आई लैशेज पर अप्लाई कर लेती हूँ एंड आई एम गुड टू गो. कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है ये आई लुक, बहुत ही ज्यादा ईजी है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और वेयरेबल लुक है, एवरी डे वेयर में बहुत अच्छा लगेगा. इट लुक्स कि आपने बहुत ही प्रिटी मेकअप लुक किया है बट आपने देखा कि बहुत ज्यादा इजी है. नाउ मैं बहुत ज्यादा कॉन्टोर नहीं करती हूँ, हैवी कॉन्टोर नहीं करती हूँ, बट इसी पैलेट में मेरा एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट शेड है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली लाइट सॉफ्ट कॉन्टोर ऐड करने में हेल्प करता है. सो मैं वही शेड को अपने फिंगर टिप्स पर पिक कर रही हूँ, जस्ट अ लिटिल बिट यू कैन सी, और हल्का सा डायमेंशन ऐड कर रही हूँ, वेरी लाइट, वेरी सॉफ्ट. बहुत ही जेंटली ब्लेंड कर रही हूँ, रगड़ना नहीं है, बहुत ही जेंटली ब्लेंड करना है. यू कैन सी कि ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड नाउ सी दिस साइड. एंड बेस्ट पार्ट इज कम ज्यादा होता है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर है इस आई शैडो का कि बहुत अच्छे से बिल्ड किया जा सकता है अगर कम ज्यादा हो जाता है तो. ज्यादा हो गया तो ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करके एक्सेस हट जाता है और कम रहा तो थोड़ा सा बिल्ड कर सकते हैं. आप भी ऐसा कोई डार्क ब्राउन शेड हो, कूल अंडरटोन डार्क ब्राउन शेड हो तो उसे डेफिनेटली एज एन कॉन्टोर यूज करके देखिएगा एंड मुझे बताइएगा कि वो किस तरह से आपके लिए वर्क किया. बहुत ही सॉफ्ट एक डेप्थ ऐड की है सो दैट फेस थोड़ा सा चिजल्ड दिखे. आप चाहे तो थोड़ा सा जॉ लाइन पर भी अप्लाई करके ब्लेंड कर सकते हैं लाइक दिस. सो दैट हमारा फेस एकदम ब्लैंक कैनवस ना दिखे क्योंकि हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है तो थोड़ा सा जो फेस का डेफिनेशन रहता है, जो फेस स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा सा फ्लैट कैनवस की तरह दिखने लगता है, इसलिए ये जो डायमेंशन है ये ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. एंड यू कैन इंस्टेंटली सी द डिफरेंस.
That's it. Now for everyday makeup look, मैं बहुत ज़्यादा heavy blush prefer नहीं करती हूँ. I really go with this the Body Shop Shimmer Waves in the shade blush. इसमें pink shades भी है and this highlighter shade भी है. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा dewy, luminous, blushy and highlighting look देता है face को, skin को. So वही मैं apply करने वाली हूँ. पहले मैं ये pink shades apply करूँगी अपने cheeks पर, like so. बहुत ही फ्रेश लुक ऐड होता है. जस्ट अ पिंक ग्लो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री पिंक शेड्स एंड ये जो बॉटम टू शेड्स है से बिट ऑफ हाइलाइटिंग. बहुत ही ज्यादा हैवी नहीं, वेरी लाइट, वेरी सॉफ्ट, वेरी एवरीडे वेयर काइंड ऑफ प्रोडक्ट हमें ऐड करना है. लुक्स ब्यूटिफुल. सेम हाइलाइटर मैं ऐड कर रही हूं ब्रिज ऑफ द नोज, फॉरहेड के सेंटर पर, लिटिल बिट ऑन माय क्यूबिड्स बो. Of course, थोड़ा सा brow bone पर भी. Now comes really exciting part जो daily basis पर हम सब wear करना prefer करते हैं, that is lipstick. और lip color मैं nude colors wear करना ज़्यादा पसंद करती हूँ on a daily basis. But अगर इस तरह का smoked out look मैं everyday wear kind of makeup में add कर रही हूँ अपनी eyes पर, तो मैं nude brown kind of lipstick use करती हूँ. Otherwise अगर बहुत ही सॉफ्ट पीची काइंड ऑफ मेकअप लुक है तो फिर मैं कोरल लिप कलर यूज करती हूँ. अगर थोड़ा सा वेरी न्यूड काइंड ऑफ है, ओनली लाइट ब्राउन है, तो फिर मैं न्यूड पिंक लिप कलर यूज करती हूँ. सो टुडे आई एम यूजिंग दिस नायका सो मैट लिपस्टिक इन द शेड 18M आयरिश कॉफी. यू कैन सी ये कितना प्रिटी न्यूड ब्राउन शेड है. एवरीडे वेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और ये ऑलमोस्ट हर एक स्किन टोन को सूट होगा. So this is what I'll be applying today. Like so, but मैं daily basis पर या कभी भी कोई भी lipstick apply करती हूँ तो excess dab off करती हूँ with the help of this kind of tissue. उससे matte लुक आ जाता है लिप्स पर और बहुत जो एक्सेस रहता है वो वाइप ऑफ हो जाता है, हट जाता है. क्योंकि मुझे शाइनी जो डेमी मैट लिपस्टिक्स है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है एंड ये सो मैट रेंज थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग लिपस्टिक है. अगर आपकी ड्राई लिप्स है तो डेफिनेटली आप इस रेंज को ट्राई कीजिएगा. बट इसमें शेड्स बहुत अच्छे हैं और मैं किसी भी डेमी मैट रेंज में मुझे कोई बहुत अच्छा शेड पसंद आता है तो मैं उसे इसी तरह से मैट बना लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड ऑफ फेशियल टिश्यूज. अच्छे से मैं डैब कर रही हूँ सो दैट जितना भी एक्सेस है वो सब हट जाए और बहुत ही ब्यूटीफुल सॉफ्ट मैट लुक, पाउडर मैट लुक अचीव हो सके. So this is final look और ये ही एक मेकअप लुक है जो मैं एवरीडे बेसिस पर वेयर करना प्रेफर करूंगी एंड आई रियली लाइक दिस. बहुत ही फ्रेश लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है, येट अ वेरी ड्रामेटिक सॉफ्ट स्मोकी आई लुक विद अ वेरी ब्यूटिफुल न्यूड लिप कलर. दिस इज जस्ट
माय टाइप ऑफ मेकअप लुक, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का मेकअप लुक वेयर करना। और अगर आप इस तरह का मेकअप लुक ट्राई करते हैं तो मुझे जरूर इंस्टाग्राम पर टैग कीजिएगा एंड या फिर आप मुझे पिक भी सेंड कर सकते हैं एंड सी कितना अच्छा लग रहा है। एवरीडे बेसिस पर मेकअप वेयर करने का मोटिव सिर्फ इतना रहता है फॉर वर्किंग वुमेन्स और फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स या फिर अगर आप घर पर भी रहते हैं सो दैट डजंट मीन कि आप मेकअप वेयर नहीं कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ रियली नाइस थिंग, इट रियली हेल्प्स टू मेक यू फील मोर प्रेजेंटेबल एंड नाइस इन योर सेल्फ। सो आई रियली लाइक वेयरिंग दीज काइंड ऑफ मेकअप लुक्स, वेरी न्यूड, वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ एवरीडे मेकअप लुक, बिल्कुल कंसीलर वगैरह हैवी लुक नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इस मेकअप लुक को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिक भी सेंड कर सकते हैं या फिर टैग भी कर सकते हैं तो मैं आपके लुक को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी पोस्ट करूंगी। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू डिड देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।